फाइनल लिस्ट में नाम होते हुए भी कैंडिडेट को बाहर कर दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, फाइनल सिलेक्शन के बाद भी कैंडिडेट को बाहर कर दिया जाता है। मैं बात कर रहा हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो कि एग्जाम कंडक्ट कराया था नॉन टीचिंग की पोस्ट पर। अभी 2021 में उनकी वैकेंसी निकली थी नॉन टीचिंग की पोस्ट पर, ठीक है। काफी सारे पोस्ट पर निकले थे, जिसमें से एक कैंडिडेट का लेबोरेटरी अटेंडेंट की पोस्ट फिल की थी। कैंडिडेट का फाइनल सिलेक्शन भी होता है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड NTA ने, जो भी एजेंसी ने एग्जाम कंडक्ट कराया है, फाइनल लिस्ट में नाम होते हुए भी कैंडिडेट को बाहर कर दिया जाता है। कैंडिडेट को इसका जवाब चाहिए। कैंडिडेट ने काफी सारे मैसेज भी किए हैं, काफी मेल किए हैं, मेल का भी कोई रिप्लाई नहीं आता है। कैंडिडेट दिल्ली यूनिवर्सिटी में पता करता है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले बोलते हैं, हमारी NTA से नहीं बनती है। ये क्या मतलब होता है आपका सर, हमारी NTA से नहीं बनती है, इसका जवाब ये क्या दिया आपने? कैंडिडेट काफी परेशान है, सर हमारा फाइनल सिलेक्शन के बाद भी हमारा ज्वाइनिंग लेटर नहीं जारी किया जाता है, उसके बाद एक लिस्ट और जारी की जाती है जिसमें से हमारा नाम हटा दिया जाता है। मैं बात कर रहा हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग की पोस्ट पर निकली पोस्ट, जिसमें से एक कैंडिडेट ने मुझे मैसेज किया, सारा डिटेल बताया कि आखिर सर हमारा सिलेक्शन के बाद भी हमारा नाम क्यों हटा दिया गया। आप देख सकते हो ये कैंडिडेट है मिस्टर शरीफ खान जी, ठीक है। तो इन्होंने लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए 2021 में फॉर्म फिल किया था, ठीक है। उसका जो रिजल्ट भी आ चुका था, आई थिंक इसका रिजल्ट जो है पब्लिश हुआ था 18 अगस्त को, इनका लिस्ट तैयार हो गई थी। लेकिन आप ये स्क्रीनशॉट देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी का कहना है कि यहाँ पर आप देखिए, पर जो वैकेंसी रोकी गई थी, जो उसके रीजन बताया था इन्होंने कि रेफरेंस टू मेड द मीटिंग ऑफ द कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू इंटरेक्ट विथ द दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज कर्मचारी यूनियन, ठीक है, कर्मचारी यूनियन की तरह टुक लुक इन टू द ऑनगोइंग प्रोटेस्ट ड्रामा हेल्ड ऑन ट्यूजडे 19 सितंबर 2023 एंड 12:30 PM इन द काउंसिल रूम। इनका कहना है कि प्रोटेस्ट हुआ था 19 सितंबर को, उसकी वजह से जो है जो इन दिस कनेक्शन यू आर इन्फॉर्म दैट द यूनिवर्सिटी हैज ऑलरेडी पुट ऑन होल्ड द ज्वाइनिंग ऑफ द न्यूली रिक्वेस्ट लेबोरेटरी अटेंडेंट एंड लाइब्रेरी अटेंडेंट्स वाइड नोटिफिकेशन डेट 25 अगस्त 2023 एंड 29 अगस्त 2023, ठीक है। तो इन्होंने ये बोला था कि जो न्यूली रिक्रूटमेंट है वो अभी इसका जो है रोक दिया जाए, 25 अगस्त रिजल्ट है इसको रोक दिया गया था। उसके बाद फर्दर एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी ने फिर से डिसाइड किया इन द मीटिंग डेट 19/9/2023 यानी 19 सितंबर, तो एक मीटिंग और कराई जाती है, जैसे सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट फॉर द अफोरेस्ट अफोसेट पोस्ट इज बीइंग एग्जामिन बाय द यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली द ऑनगोइंग प्रोटेस्ट ड्रामा बी कॉल्ड ऑफ विथ इमीडिएट इफेक्ट एंड द ऑल पार्टिसिपेटिंग एम्प्लॉय शुड रिपोर्ट टू द देयर रिस्पेक्टिव ऑफिस। तो इसके बाद इन लोगों ने बोला है कि जो प्रोटेस्ट है वो ऑफ कर दिया गया है, तो आप लोग का रिजल्ट जो है फिर जारी किया जाता है। तो रिजल्ट आप लोगों का पहले ही बता दिया, 18 अगस्त को बनके तैयार हो गया था, जैसा कि आप ये देख सकते हो, ये रिजल्ट है। तो यहां पर देख सकते हो ये रिजल्ट का PDF है, यहां पर आप देख सकते हो 110 नंबर पे मिस्टर शरीफ खान का नाम है, जो कि यहां पर लिखा है लिस्ट ऑफ, देख सकते हो ये रिजल्ट का जो है लिस्ट ऑफ फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ लेबोरेटरी असिस्टेंट अटेंडेंट, पोस्ट कोड आपका देख सकते हैं P0103 इन ऑर्डर ऑफ मेरिट, यानी कि यहाँ 110 नंबर पे मिस्टर शरीफ खान का जो भी कैंडिडेट ने मुझे बोला है, यहाँ देखिए शरीफ खान नाम का जसान ऑफ अजमेरी खान, इनका एप्लीकेशन नंबर पड़ा हुआ है और OBC NCL से ये सिलेक्शन लिए हैं। तो ये देखिए फाइनल सिलेक्शन में नाम के बाद इनका नाम जो है नहीं आता है, एक लिस्ट और जारी की जाती है, मैं आपको वो भी दिखा रहा हूं।
थोड़ा सा वेट करिएगा, मैं आपको वो भी लिस्ट दिखा रहा हूं। सो फ्रेंड्स देखिए यहां पर जो है लिस्ट जारी की जाती है, एक और लिस्ट जो जिसमें से उन कैंडिडेट का नाम हटा हुआ है, यानी कि फाइनल सिलेक्शन पाने के बाद भी यहां देख सकते हो दोस्तों 147 कैंडिडेट का ही सिर्फ सिलेक्शन है इसमें, जो मिस्टर शरीफ खान का नाम जो था उस लिस्ट में हटा दिया गया है। तो इनका यही कहना है कि सर जब हमारा फाइनल सिलेक्शन हो चुका था तो हमें अपॉइंटमेंट लेटर क्यों नहीं दिया जा रहा है, हमारा नाम आखिर लिस्ट से क्यों हटा दिया गया है। इन्होंने आरटीआई भी डाली है, अभी भी इसका रिप्लाई नहीं आया हुआ है, कब से 20 से 25 दिन हो गया है, आरटीआई का कोई रिप्लाई नहीं आया है। इन्होंने मेल कर रखी है, देखिए एनटीए को इन्होंने मेल कर रखी है, ये इसका मेल आईडी है, मेल का जो आपका स्क्रीनशॉट है जो इन्होंने सेंड किया है वो मैंने आपको दिखाया है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो इन्होंने मेल भी किया है, बाकायदा सारा काम किया है इन्होंने, लेकिन उसके बाद भी जो है इनका नाम लिस्ट से हटा दिया गया है। आखिर एनटीए ने जो एग्जाम कंडक्ट कराया है ऐसा क्यों किया है, उसका वो जवाब मांग रहे हैं। तो देखिए एक कैंडिडेट काफी सालों से मेहनत करता है, अगर उसकी मेहनत में पानी फिर जाएगा, सिलेक्शन के बाद उसको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया जाता है, उसका नाम लिस्ट से हटा दिया जाता है बगैर कोई रीजन बताए, तो कैंडिडेट का यही कहना है कि हमारा भी सिलेक्शन जब हो चुका है तो मुझे भी ज्वाइनिंग दी जाए, हमें भी डीवी कराने का पूरा मौका दिया जाए ताकि जो मैंने मेहनत की है मुझे मेहनत का फल मिले। तो ऐसा नहीं होता है, जो भी कंडक्ट कराया जिस भी एजेंसी ने अगर कुछ हेर फेर किए तो ये बहुत ही बड़ी गलती है, क्योंकि कैंडिडेट का फाइनल सिलेक्शन में नाम आने के बाद भी उसका सिलेक्शन नहीं कराया जाता है, एक रीजन पता चले उनको कोई रीजन भी नहीं बताया जा रहा है, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में गए तो वहां पर जवाब मिलता है मेरी एनटीए से बनती नहीं है, तो ये चीज तो सरासर गलत है। कैंडिडेट सिलेक्शन लेता है, काफी मेहनत करता है, सालों की मेहनत करता है, गरीब है, कैसे वो गुजारा करके अपना सिलेक्शन लेता है, कैसे क्या करता है ये कुछ नहीं देखा जाता है। कैंडिडेट का बस यही कहना है कि अगर हमारा सिलेक्शन हुआ है तो मुझे ज्वाइनिंग दी जाए। ये वीडियो अगर एनटीए तक पहुंचती है या दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास पहुंचती है तो प्लीज उनको ये जवाब दिया जाए, उन्होंने मेल भी कर रखी है, उनको मेल का भी कोई रिप्लाई नहीं दिया जाता है। आई होप कि आप लोग इसमें आप लोग सहयोग करोगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि उन तक बात पहुंचे, और जो कैंडिडेट सालों से मेहनत करते हैं उनको सिलेक्शन के बाद अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो बहुत ही बड़ी गड़बड़ी है ये। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, बस यही गुजारिश करता हूं। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक कीप स्टूडेंट की वॉचिंग सरकारी एग्जाम खबरी। जय हिंद जय भारत।